बिजनेस लाउंज में आके मेन्यू पकड़ा दिए। वो मेन्यू कहाँ गया यार, मेन्यू ही हाथ लग रहा। जल्दी जल्दी अपना बैकपैक लटकाओ, ये सब चीजें उठाओ, जल्दी जल्दी करो। टाइम चेक करें यार, सुबह के भी 4 बज रहे हैं, आधा कनाडा सो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि सुंदस ने हमें लेट करवा दी, वो पीछे आ गई। दरवाजा सही से लॉक करके आना। मुझे छोड़ के वो सारे आगे चले गए कि यार तुम लेट करवा रहे हो ब्लॉक के चक्कर में। मेरी दफा सिग्नल रेड हो गया, रुक कोई नहीं रहा, बस जा ही जा रहे हैं। वो सामने यूनियन स्टेशन है, उधर जा रहे हैं लोग। वो फाइनली रुक गए, कह रहे हैं लेट हो रहे हैं। ये सामने देख सकते हैं RCN टावर, निकल ही जाते हैं यार, कोई भी नहीं आ रहा, फ्लाइट ही ना मिस हो जाए। सब लोग एक एक बैग पकड़ के जा रहे हैं। सुंदर सही मजे से एक छोटा सा बैकपैक लटका के जा रही है। यूनियन स्टेशन पहुंच गया, हम 4 ही लगता है पूरे स्टेशन में, अकेले अभी और कोई भी नहीं है इधर। टाइम 4:57 हो गया, 5:10 पे ट्रेन निकल जाएगी। करें ना रन, टाइम पे पहुंच गया यार, भागते भागते 9 मिनट अभी भी है ट्रेन में एयरपोर्ट के लिए। बिल्कुल ही खाली ट्रेन जा रही है यार, बस हम यार इधर बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं है इधर। दूसरे कंपार्टमेंट में जाके चेक करते हैं कोई बैठा हुआ है या नहीं। दूसरा कंपार्टमेंट तो यार उससे भी खाली है, पूरे आखिर तक कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। बाकी अटेंडरी यार आप लोगों को बताना भूल गया, हम लोग इधर से जा रहे हैं वैंकूवर और हम लोग जा रहे हैं भाई जहाज पे। ये ना समझे कि ट्रेन में आए, ट्रेन पे ही जा रहे हैं, नहीं तो ट्रेन में तो इधर यार बंदा 2 दिन में भी वैंकूवर ना पहुंचे। 2 दिन में पहुंचे कि ना पहुंचे, 4 दिन में वैंकूवर। आप समझ सकते हैं ये इधर के लोकल है तो ये हो सकता है झूठ ना बोले। 5 घंटे की इधर से फ्लाइट है नॉन स्टॉप वैंकूवर की। यार गाइस आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद से टर्की इस्तांबुल की फ़्लाइट जो है वो 5 घंटे की, और इधर जो है लोकल फ़्लाइट 5 घंटे की है। कोई समझ आ रही है? समझने की बात यह है कि कनाडा जो है एरिया वाइज बहुत बड़ा है। गाइस आप लोग चेक कर सकते हैं कि सुंदर बहुत ही उदास है, क्योंकि इसका असल में प्लान ये था कि जब हम नायग्रा फॉल्स गए थे ना, तो उधर से उसने डुबकी मार के US पहुंच के असाइलम क्लेम करनी थी, जो कि उस दिन ये लेना भूल गया। तो अब उदास है कि हम लोग टोरंटो से निकल रहे हैं, इधर से तो चांस मिस हो गया। वो वैंकूवर के साथ भी सिएटल का बॉर्डर पड़ता है। अगर किसी ट्रक में बैठ के भाग जाऊंगी। ये यार आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पे कितनी ज्यादती होती है। इधर भी विंडो सीट इसने ले ली है, पूरे ट्रिप की विंडो सीट इसकी, और ये भी विंडो सीट इसकी। आके जाऊँ, चलो आओ फिर इधर, इधर जाओ। सुबह अंधेरे का टाइम है तो मैं देखूँ क्या इस चौकट, देखूंगा मैं क्या। क्यों भाई आप लोग यार इस बात पे मेरे साथ इत्तेफाक रख सकते हैं। तुम जाके बैठ जाओ ना, इतनी बड़ी ट्रेन देखूंगा अभी जाके, अंधेरा भाई। बाकी प्लान यार मैं ट्रिप का आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं अभी 2 हफ्ते के लिए वैंकूवर, उसके बाद 2 दिन के लिए हमने टोरंटो वापस आना। इसने नहीं आना, इसने तो आपको बता दिया वो सिएटल से उधर भाग जाएगी असाइलम लेके। मैंने जो 2 दिन टोरंटो वापस आने, उसके बाद 1 दिन दुबई आना, फिर अपने पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस नोट पे स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। घर पे कोई मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ यार। आप लोग हमारे सामान का ध्यान दे, कोई चोरी ना कर ले इधर से। ये पता नहीं यार बीच में इन्होंने पर्दा क्यों लगा दिया, इन्हें पता नहीं है कि इधर कूपल्स भी ट्रैवल करते हैं। हमारी वैंकूवर की फ़्लाइट जो थी वो पहले सुबह 8 बजे की थी। हम घर से निकलने से पहले फ़्लाइट का स्टेटस ही चेक करना भूल गए। जब इधर पहुंचे तो पता चला फ़्लाइट ही कैंसिल हुई थी। अब हमारी फ़्लाइट जो है वो दोपहर 1 बजे चलेगी, तो अभी 5-6 घंटे हैं हमारे पास। 11:20 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी। लाइन चेक करें यार सिक्योरिटी की कितनी लंबी है, जिस तरह इंटरनेशनल फ़्लाइट ही ले रहे हो हम लोग, वो पूरे आखिर तक लगी हुई। लेकिन आज हमारे पास बिजनेस क्लास का टिकट है, तो हमें इस लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। बस बोर्डिंग पास इधर स्कैन किया, उसने खुद ही गेट खोल दिया। अब हमें उस लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, इस लाइन में जा रहे हैं क्योंकि बिजनेस का टिकट है। सुंदर का सारा लगेज उन्होंने सिक्योरिटी चेक में डाल दी, क्योंकि पूरा मेकअप ही इसमें डाल के ले आई है। मेकअप वगैरह लदा लिफाफे में डाल के सारा लिफाफे निकाले जा रहे हैं। अब पता चलेगा इसको, जो चीज़ें 100 ml से ज़्यादा हैं वो सारे उस पाउच में निकाल रहे हैं और वो फेंक देंगे। अभी एक है उसने बस बॉडी स्प्रे फेंक दी, ये चीजें उसने वापस दे दी कि ये दूसरे बैग में डालने, बाकी उन्होंने क्लियर कर दिया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बिजनेस लाउंज में पहुंच गए, इधर भी सारे बॉस बन के बैठे हुए। इधर आपको दिखाए तो यार ये थोड़े से ऑरेंजेस रखे हुए हैं, जूस पानी वगैरह रखा हुआ है। मेरे लिए तो यार ये ठीक है, कोक जीरो। नाश्ते में बेगल्स हैं, मफिन्स, बनाना ब्रेड, क्रीम चीज, बॉइल्ड एग्स, फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं। ये कोई स्पिनच ऑमलेट टाइप चीज़ है, साथ चीज़ एंड एग ब्रेकफास्ट सैंडविचेस हैं, और इसमें भी सैंडविचेस हैं और पैनकेक्स हैं और सॉसेस वगैरह। इन्होंने पोरिज लिए, बनाना ब्रेड लिए, एग्स लिए, बेगल लिए, एग सैंडविच लिए, वो सिर्फ पैनकेक्स खा रहे हैं और मैं बेगल और स्ट्रॉबेरी योगर्ट। सुंदस की कीश खा रही है, फिर से बनाना ब्रेड लिए और साथ कॉफ़ी ले ली। इस लाउंज में सभी बॉस बन के आराम से बैठे हुए होते हैं, शोर कोई नहीं करता। ये वाला जो सारा टर्मिनल है ना, ये एयर कनाडा का, उस तरफ वाली डिफरेंट एयरलाइन खड़ी हुई है। वेस्ट जेट भी खड़ा हुआ है, फ्लेयर भी खड़ा हुआ है, अमेरिकन एयरलाइन भी। ये एक सैंडविच ठीक लग रहा है, मफिन सॉफ्ट है। 5 घंटे डिले होगी, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि हम इधर लंच भी करके जाएंगे इनके बिजनेस लाउंज में। अमीर लोगों की निशानी है, बिजनेस लाउंज में आके या तो काम कर रहे होते हैं या तो इस तरह सो रहे होते हैं, जिस तरह ये भी सो रहे हैं। वो देखें, वो भी काम कर रहा है, इधर मेरे साथ बंदा बैठा है, वो भी काम कर रहा है। एक अकेला मैं ही गरीब रह गया हूँ। कभी पानी पी रहा हूँ, कभी कोक पी रहा हूँ, कभी चाय पी रहा हूँ, कभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, कभी एक सैंडविचेस ला रहा हूँ, बार बार जाके चेक कर रहा हूँ कोई नई चीज़ आई है मेन्यू में कि नहीं। अभी सुनने में आया कि यार इधर मेन्यू चेंज हो गया, तो हम जरा वो चेक करने जा रहे हैं। इधर सूप आ गए, नाचोस वगैरह आ गए, कुकीज़ वगैरह आ गए, सैलड्स आ गए, पास्ता आ गए, राइस आ गए, विंग्स आ गए और बर्गर्स भी आ गए। ये यार सबकी प्लेट्स चेक करें, इधर कुछ भी किसी ने नहीं खाया और ये अकेली मेरे और सुंदस की प्लेट चेक करें। तुम किधर इधर आके बैठ गए, उधर पीछे जाके बैठो। इधर क्या करने आई हो बिजनेस लाउंज में? आज कह रही है भेज देंगे, पीछे शक्लें देखे क्या बना रही है, जिस तरह कुछ समझ आ रही है। यार उसने हमें इधर बिजनेस लाउंज में आके मेन्यू पकड़ा दिए। वो मेन्यू कहाँ गया यार, मेन्यू ही हाथ लग रहा। लैपटॉप मैंने पूरे स्टाइल में इधर निकाल के रखा था, यूज़ मैंने कोई नहीं करना था। मैंने कहा इधर बिजनेस की तरह स्टाइल मारे, उल्टा स्टाइल ही सारा ख़राब होके वो गिर गया। यार पता चले ये बिजनेस वाले खुद बिजनेस से भाग के इकॉनमी में भाग जाए। मेन्यू चेक करें यार, एपिटाइज़र में स्मोक सामन है, मेन कोर्स में बीफ है, चिकन है, सामन है और चीज़ टॉर्टेलिनी है। उधर से मुझे देख रही, उधर जाओ अपने कैबिन में, अपने घर जाओ, उधर इधर मेरे घर में ना हो। ये क्या पूछे क्या पूछे उसने, मैं अपनी इंग्लिश पहले से याद रख लूँ। खाना ऑप्शन क्या दिए? ये मेन्यू ऑप्शन उससे को सारा लेके निकाल के फेंक देना चाहिए बाहर। गाइस बिजनेस का फ़र्क थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, पानी की बोतल ये लोग पहले से ला के दे देते हैं। इधर एक चादर दी है, कंबल दी है, तकिया दी है। बेल्ट भी यार इनकी तरफ की अजीब सी मोटी सी है। लेग रूम भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, मतलब मैं फुल भी टांगे आगे कर लूँ ना तब भी वो नहीं पहुँचती। अब अगर फ्लैट बेड हो जाएगा ना तो ये जो छोटा सा अंदर का अपार्टमेंट है ना, टांगे इसके ऊपर हो जाएंगी और बाकी फुल लंबा होता जाएगा। सुंदस यार ये मई से खुद फ्लैट बेड बना के दे, अगर नहीं बनाएगी वो तुम बनाओगी। चिकन बोला है मैंने इसको, तो फिर तो मैं सोच रही हूँ सैल्मन करा दूँ। नहीं वो तुम चिकन मारो ना, आधा आधा खाने। ये मेरा घर है, बीच में मेरे घर थोड़ा खाना भिजवा देना। मैंने नहीं भिजवाना, मैं सोच रही हूँ मैं भी सैल्मन ले लूँ, लेकिन माई नज़र नहीं आ रही। माई ये पीछे खड़ी हो सब की। इस जगह के अंदर हेडफोन्स दिए हुए हैं, टीवी का कंट्रोलर दिया हुआ है, चार्जिंग के लिए आउटलेट्स हैं। इस जगह पे कंट्रोल सिस्टम सीट्स का लगाया हुआ है। इधर जाएं तो ये ऊपर की लाइट्स वगैरह कंट्रोल हो सकती हैं। कंट्रोल के ऊपर जाएं तो ये मतलब सीट लिटा भी सकते हैं, मतलब फुल बेड भी बन जाएगा। सीट चेक करें यार, मैंने काफ़ी हद तक तकरीबन लिटा लिया, मतलब इससे ज़्यादा भी लिटा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन इधर से सुंदस के घर में कोई पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। चिकन इस पर। वॉशरूम इसका भी वैसा ही है जैसे इकॉनमी का होता है, लेकिन थोड़ा साफ है क्योंकि लोग कम होते हैं इधर। कतर एयरवेज वगैरह की वीडियो देखें ना तो उसके अंदर ये जो माई है ना वो आके ये बेड शेड बना के देती है, लेकिन इधर यार अमेरिका कनाडा में थोड़े गोरों वाला कल्चर, ये इधर सारा काम खुद करना पड़ता है। ये भी सो गई है, वो भी सो गई। पंजाबी मूवी अभी देख रहा हूँ, इसमें ये औरत इस लड़की को कह रही है कि मेरे कैनेडियन बेटे पे डोरे ना डालो, तुम मेरे $1 मिलियन बेटे के पीछे हो। यार खाना भी आ गया, खाने में ये स्मोक सैलमन है, ये सैलेड है, ये ब्रेड है, ये सैलेड है, ये ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल को पकड़ के यार हम इसके ऊपर ही डाल देते हैं सारा। आ हा। साथ यार थोड़ा सा बटर है और ये नमक है, ये काली मिर्च है। रजो अब अपने बॉयफ्रेंड को शिकायत लगा रही है कि उसकी माँ ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेन डिश में राइस है, चिकन है, ऊपर कोई सॉस डली हुई है और उधर यार इतना मसला पड़ गया। बेटा कह रहा है मैं रजो को लिए बगैर कनाडा नहीं जाऊँगा। तुम्हारे घर खाने में क्या पका हुआ है? खाने में मेरी सालमन आई है विद लेमन सॉस, ये कोई स्टिकी राइस है और साथ सैलड है थोड़ी सी। लो जी, लड़का कनाडा से पंजाब आके तक खेती बाड़ी शुरू कर दी और माँ भी मान के और सब खुश हो गया। अब इनकी शादी हो गई। अभी हम लोग वैंकूवर पहुँच गए, बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। यार बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था बिजनेस क्लास का, हर किसी को ना एक दफ़ा एटलीस्ट एक्सपीरियंस करना चाहिए। वैंकूवर में जो है यार टोरंटो से ज़्यादा सर्दी है। 5 घंटे की फ्लाइट का यार बिजनेस क्लास में पता ही नहीं चला। पहले जैसे ही गए वो वेट टॉवल्स ले आए, उसके बाद यार ड्रिंक्स ले आए, फिर एपेटाइज़र ले आए, फिर मेन कोर्स दिया, फिर डिज़र्ट दिया, उसके बाद चॉकलेट्स लाए, फिर चिप्स लाए। उतनी देर में 5 घंटे वैसे ही गुजर गए। इनकी तबीयत ख़राब हो गई यार रस्ते में। यार आप लोग सुंदर्स की हरकतें देख सकती हैं, गम खा रही हो, चाचा इधर लगा रही है। हमारी गाड़ी आ गई। रूम हमें अभी बिल्कुल साफ साफ मिला था और यार ये देखें मैंने इसका हशर क्या कर दी। ये सारी नई शॉपिंग है जो मैं टोरंटो से करके लाया हूँ, वो सामने गैराज के अंदर। यार नए सूटकेस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे, वो आए हैं ना, तो सारा सामान मैंने कहा एक ही दफ़ा उसमें डलवा दूँ। मैं तैयार होकर आ गया हूँ। मैं बाहर बैठ के खा रहा हूँ, वो कोक ले आना आते हो। मैं इस टेबल पे बैठ के खाऊंगा। यार सामने आप व्यू चेक करें वाइट रॉक बीच का। खाने में मैंने पुलाव लिए, थोड़ी फिश ली है, चिकन फ्राई लिया और साथ थोड़ा रायता लिया और साथ अपनी डाइट को। वो देखें कोई स्पीड बोट चलाता हुआ जा रहा है। वैंकूवर में टाइम अभी शाम के 5:30 बजे है, लेकिन यार टोरंटो के अकॉर्डिंग ना टाइम शाम के 8:30 बज चुके हैं। यार इधर कनाडा के अंदर या अलग-अलग टाइम जोन चलते हैं और आप लोगों को पता तो है कि हम लोग सुबह 3:30 बजे के उठे में और इतना लंबा दिन हो गया, मतलब फ्लाइट भी डिले हो गई थी और अब थक भी गए। इस नोट में हम एंड करते हैं आज का व्लॉग। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और वैंकूवर आगे वाले व्लॉग में दिखा देंगे आपको। मैंने तो पूरी ट्रेन आपको कहा था हेलो। सुंदर्स वो ऊपर खड़ी हुई है, मैं और चूचू जा रहे हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने बीच तक। इस जंगल में से घुस के उधर किसी तरह बीच पे जाना है। जाओ सीधा अंदर से जंप करते हुए जाओ, सीधा उधर पहुंच जाओगे।